चश्मे। आम तौर पर हम चश्मे देखते ही रहते हैं, लेकिन क्या कभी आपने चश्मे को हाथ में लेकर के देखा है? क्या कभी उसके लेंस को महसूस करने की कोशिश की है? क्या वे हर तरफ से समान होते हैं? जवाब है नहीं। चश्मा एक समान ना होकर के बल्कि बीच से मोटा या कभी किनारों से मोटा होता है। तो ये मोटे और पतले लेंस के होने का कारण क्या है? यदि प्रकाश लेंस से गुजरेगा तो क्या होगा? परावर्तन या अपवर्तन? सीधा जवाब है अपवर्तन, क्योंकि लेंस पारदर्शी होते हैं। हाँ, पारदर्शी ही तो होते हैं। अब अपवर्तन होता है तो क्या इसके भी कुछ नियम होते हैं? कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देने वाला हूँ। तो सबसे पहले जानते हैं लेंस क्या है। व्हाट इज लेंस? मोटे तौर पर दो तरह के लेंस होते हैं, एक कन्वर्जिंग लेंस और दूसरे डाइवर्जिंग लेंस। दर्पण की ही तरह जो लेंस प्रकाश को कन्वर्ज करते हैं वो कन्वर्जिंग लेंस कहलाते हैं, और जो लेंस प्रकाश को डाइवर्ज करते हैं उन्हें डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। सिंपल है ना? कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस आमूमन छह तरह के होते हैं, डबल कन्वेक्स, प्लानो कन्वेक्स, कन्वर्जिंग मेनिस्कस, डबल कनकेव, प्लानो कनकेव और डाइवर्जिंग मेनिस्कस। ये लेंस गोलीय लेंस कहलाते हैं। इन छह तरह में से हम सिर्फ दो पर ही बात करेंगे, डबल कन्वेक्स और डबल कनकेव। आमूमन इन्हें सिर्फ कन्वेक्स लेंस या उत्तल लेंस और कनकेव लेंस या अवतल लेंस कहा जाता है। ये लेंस भी दर्पण की तरह गोलीय क्षेत्र की चाप से बने होते हैं। फर्क इतना होता है कि एक तरफ पॉलिश ना कर कांच की एक दूसरी चाप लगाकर बीच में कोई पारदर्शी पदार्थ भर इन्हें लेंस बनाया जाता है। दर्पण में जैसे हर दूरी पी से ली जाती थी, यहाँ हर दूरी ओ से ली जाती है, जिसे लेंस का प्रकाशित केंद्र या इंग्लिश में ऑप्टिकल सेंटर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑप्टिकल सेंटर। दो पृष्ठ होने के कारण इनके फोकस भी दो होते हैं, जिन्हें F1 और F2 से दर्शाया जाता है। O से F1 और F2 की दुगनी दूरी के बिंदुओं को 2F1 और 2F2 से दर्शाते हैं, और दर्पण की ही तरह ये सब बिंदु प्रिंसिपल एक्सिस पर ही पाए जाते हैं। अब आ जाते हैं नियमों पर। क्या आपको दर्पण का 2+4 वाला नियम याद है? लेंस के केस में सिर्फ तीन केस ही बनते हैं। पहले केस में यदि प्रकाश की किरण प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर आती है तो अपवर्तन के बाद उत्तल लेंस के दूसरी ओर स्थित फोकस से गुजरती नजर आएगी, और अवतल लेंस के उसी ओर स्थित फोकस से डाइवर्ज होती नजर आएगी। दूसरे केस में यदि प्रकाश की किरण उत्तल लेंस के केस में फोकस से होती हुई गुजरेगी या अवतल लेंस के फोकस की ओर जाती नजर आएगी, तब अपवर्तन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर चली जाएगी। तीसरे केस में यदि प्रकाश की किरण ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी, तब वे अपवर्तन के बाद बिना किसी विचलन के सीधी चली जाएगी। अब आपके दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा कि प्रकाश लेंस के दो अलग अलग सतह से अपवर्तित हुआ, लेकिन यहाँ सीधी लाइन से ही क्यों दिखाया गया? सवाल बिल्कुल सही है, लेंस के दोनों ही पृष्ठों पर अपवर्तन होगा, लेकिन लेंस के काफी पतले होने की वजह से हम इन्हें सीधी रेखा से ही दिखाते हैं। चलिए अब इन रूल्स को हम एक एक्टिविटी में लगा कर देखते हैं। इस एक्टिविटी के माध्यम से हम अवतल लेंस के प्रकाश के अपवर्तन को जानेंगे। तो इस एक्टिविटी को करने के लिए हमें एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला लेंस, एक वाइट चार्ट, एक मोमबत्ती और एक स्क्रीन चाहिए। याद है उत्तल दर्पण के केस में हम दो जगह बिंब को रख सकते थे, लेकिन यहाँ तो दो पृष्ठ होने के कारण हम अलग अलग जगह बिंब को रख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले चार्ट पर एक सीधी लाइन खींची जाए और लाइन के बीच में एक बिंदु अंकित किया जाए, जिसे O का नाम दिया जाएगा। सारी दूरियां इसी बिंदु से ही ली जाएगी। O से दोनों ओर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर F1 और F2 को अंकित किया जाए, और 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2F1 और 2F2 को। पहले केस में मोमबत्ती को अनंत पर रखकर देखते हैं। क्या हमें स्क्रीन पर कोई प्रतिबिंब प्राप्त होता दिख रहा है? नहीं। इसका मतलब है कि अवतल लेंस इस केस में आभासी प्रतिबिंब बनाता है। यदि स्क्रीन को हटाकर देखें तो हमें लगेगा कि प्रतिबिंब कहीं पहली ओर फोकस पर बन रहा होगा, जो कि आकार में बहुत छोटा होगा और सीधा होगा। दूसरे केस में मोमबत्ती को अनंत से थोड़ा नजदीक लाते हैं तो क्या होगा? तब भी स्क्रीन पर कोई प्रतिबिंब बनता नहीं दिखेगा। मोमबत्ती को धीरे धीरे ओ के नजदीक लाते हैं, तब भी स्क्रीन पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है।
तो ये निष्कर्ष देना सही होगा कि चाहे केस कोई भी हो, अवतल लेंस हमेशा आभासी प्रतिबिंब ही बनाते हैं। यदि स्क्रीन हटाकर देखें तो हमें लगेगा कि प्रतिबिंब कहीं F1 और O के बीच बनता प्रतीत हो रहा होगा। प्रतिबिंब का आकार छोटा और सीधा होगा। और ये रहा टेबल। इस टेबल में दोनों ही केसेस के अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने की समरी दी हुई है। अवतल लेंस का उपयोग चश्मे बनाने और फ्लैशलाइट के लेंस के तौर पर किया जाता है। चश्मों का जिक्र अगले पार्ट में होगा। इस वीडियो को यदि समराइज किया जाए तो आज हमने विभिन्न प्रकार के लेंस, लेंस के विभिन्न बिंदुओं के नामकरण, चित्र बनाने के नियम, अवतल लेंस द्वारा अपवर्तन के बारे में जाना। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।